पहुंचा है सबसे अद्भुत जगह पे वाराणसी में इस वक्त, क्योंकि बीएचयू में है और बीएचयू के बिरला हॉस्टल में। बनवाए हैं तब तो कर रहे हैं, नहीं बनवाए रहते तब कर लेते क्या? यही जब मंदिर नहीं बनाता तो विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बताएंगे और लड्डू भी खिलाएंगे, लचीदाना भी, इन लालची दाने टाइप लोग को लचीदाना भी खिलाया जाएगा। 2010-12 में क्रांति हुआ था, इसे फिर से क्रांति होगा, फिर छात्र जागरूक होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो बेशक हम उसे समर्थन। ज्ञानवादी था, उसको एज ए मस्जिद के रूप में रिप्रेजेंट कर देना और जो हमारे सनातन मूल्य और जो हमारी जो पूजा पद्धतियाँ थी उसको अवरुद्ध कर देना, रोक देना। समाज इसके बिना चल नहीं सकेगा, इसको जबरदस्ती यह कहना कि मंदिर मस्जिद ये सब फर्जी बात है, जाति सत्य नहीं है, जो चीजें सत्य है उनके साथ चलना चाहिए। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो गुरु पहुँचा है सबसे अद्भुत जगह पे वाराणसी में इस वक्त, क्योंकि बीएचयू में है और बीएचयू के बिरला हॉस्टल में है। एक बार पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर लोगों से बात करेंगे। ये बीएचयू का बिरला हॉस्टल है, आप देख रहे होंगे जय श्री राम के यहाँ पर पताखा लगी है, ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें लगी हुई हैं। तो सबसे अद्भुत जगह होती है हॉस्टल, यहाँ की ज़िंदगी आप सबको पता है कि कैसी होती, कितनी बेहतरीन होती है। और ऐसे में हम अब पहुँच चुके हैं बीएचयू, तो फिर बातचीत करने के लिए अब यहाँ पर हमारे साथ कई लोग भी मौजूद हैं। तो एक एक करके सबसे बात करते हैं, पहले सबको दिखा दें यहाँ से कि हमारे साथ जितने लोग भी मौजूद हैं इन सब से एक एक करके बातचीत करेंगे और आराम से इत्मीनान से राय सबकी जानेंगे अलग अलग मुद्दों पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ कर रहे हैं। जी, मैं अभिषेक सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैं फिलहाल में यहाँ शोध का विद्यार्थी हूँ और बाकी मेरा विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास, इतिहास विषय पर मेरा शोध है। तो बात इतिहास की है तो गुरु, इतिहास को लेकर बहुत बातें होती हैं कि पिछला जो इतिहास पढ़ा दिया गलत गलत पढ़ा दिया, अब सही इतिहास पढ़ाना है। देखिए, इतिहास के साथ तो ऐसी धारणाएं कालखंड और विशेष परिस्थितियों में ऐसी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्योंकि इतिहास लेखन की एक परंपरा होती है जो शासन सत्ता के अधीन कार्य करता है, ये अस्पष्ट बात है। और कुछ ऐसे रहा है कि जो पूर्व में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो हमारे जो इतिहास लेखन के जो लोग भी इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, वर्तमान समय में ऐसी भी संगतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जो तथ्यपरक और जो सही बातें हैं उनको प्रकाश में लाने का लोग कार्य कर रहे हैं और इसके लिए प्रयास जारी है, हम लोग भी उस कड़ी में शामिल हैं। उस कड़ी में आप शामिल हैं, थोड़ा ये समझाइएगा, अधिकतर मौजूदा दौर में बात होती है, राष्ट्रवादी लोग ये कहते हैं कि मुगलों वाला जो काल था वो हम पे ज़्यादा थोप दिया गया, हमारे सनातन को नहीं पढ़ाया गया। देखिए, कमोबेश इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियाँ पूर्व में रही हैं कि हमारे जो सनातन मूल्य हैं, हमारे जो भारतवर्ष के जो धरोहर हैं, जो इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर पर्दा रखा गया है और किसी कालखंड विशेष को पूरे भारतवर्ष के इतिहास में सबसे स्वर्णिम काल बता देना, जिसका कोई बहुत ही इतिहास में एक तरीका से कहा जाए कि बहुत ऐतिहासिक तो नहीं कहा जाएगा, पर इतिहासकारों ने उसको लिखने का या बताने का प्रयास किया है। तो इतिहास क्या होता है कि वो वाद से, और इतिहास को हमेशा निर्विवाद रखना चाहिए। उसके साथ ज़्यादा बात तो हो रही है काशी मथुरा और ज्ञानवापी और अयोध्या की, जिस पे विपक्ष कह रहे हैं कि राजनीति कर करके इसी पे वोट लेके सरकार बनाए जा रहे हो आप लोग। तो एक बात बताइए कि बनवाए हैं तब तो कर रहे हैं, नहीं बनवाए रहते तब कर लेते क्या? यही जब मंदिर नहीं बनाता तो विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बताएंगे और लड्डू भी खिलाएंगे, लचीदाना भी, इन लचीदाने टाइप लोग को लचीदाना भी खिलाया जाएगा। 4 साल लग गए कोर्ट के फैसले आने के बाद मंदिर बनने में, अखिलेश जी कह रहे हैं हम तो 1 साल में बनवा देते अगर हम सरकार। देखिए, मुँह से बनवाने में जमीन से बनवाने में बड़ा अंतर होता है, यही अखिलेश यादव जी थे और जो है जब इनकी सरकार थी तो हाईवे बनवा रहे थे, ध्वस्त हो गया, ठीक है ना, और लखनऊ की तमाम यही गंगा जी पर पुल बन रहा था, कई बार इस 2 पीढ़ी से लटका था, माननीय नेताजी के समय से अखिलेश यादव जी तक लटका था, और किस तरह लटका था ये पूरी बनारस की जनता बताती थी, लोगों को आज देख भी रही थी। मोदी जी आए, 3 महीने में टेंडर हुआ और 6 महीने 8 महीने में पुल बन के तैयार है, लोग चल रहे हैं। आज रामनगर की कनेक्टिविटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1 किलोमीटर है, टहलते हुए चले जाइए, वहाँ के किसानों को फायदा हुआ, वहाँ के रोजगार में इजाफा हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई। मुंह से कहने में और ज़मीन पर लाने में अंतर होता है, ये हर व्यक्ति जानता है, यही अटल जी कहते थे, कथनी और करनी में जो फर्क लोग पैदा करते हैं उस फर्क को मिटाना है।
मैं छात्र हूँ तो मैं छात्रों की बात करूँगा, चुनाव की बात बाद में बात करूँगा। छात्रों की अहम भूमिका होती है, मैं इसलिए बिल्कुल तो उसी भूमिका के बारे में बताऊँगा कि ये भारत युवाओं का देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। चीन अब बूढ़ा हो रहा है, उसके पास युवा नहीं है, फिर भी वो अपने शोध के कार्यों में लगभग 540 अरब डॉलर खर्च करता है शोध के लिए। शिक्षा का बजट जितना भारत का बजट है उतना चाइना का शिक्षा का बजट है, अमेरिका का हमारे यहाँ के बजट से 4 गुना शिक्षा का बजट है। और हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने का और शिक्षा पर हम खर्च करते हैं 0.9% शिक्षा और शोधार्थियों पर हम खर्च करते हैं, तो कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे? आज 2006 से जैसे अन्य भाइयों ने, बड़े भाइयों ने उठाया कि 2006 से शोध का जो फेलोशिप है वो 8,000 है। बताइए आज के समय में जो मनरेगा की मजदूरी है वो 9,000 से अधिक है, और शोध जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसी में हम 8,000 रुपये मजदूरों से कम कीमत दे रहे हैं किसी शोध के विद्यार्थियों को कि वो शोध करे। वो कैसे गुणवत्तापूर्वक शोध करेगा? अभी पिछले साल देश में 60,000 पेटेंट फाइल हुए हैं शोध के लिए पेटेंट, और वहीं चाइना में 4,00,000 फाइल होते हैं। विश्व में भारत बाजार बन चुका है मोबाइल फ़ोन का, सबसे ज़्यादा मोबाइल, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़र भारत में है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र भारत में है, फिर भी हम उनके शोध पे खर्च कर रहे हैं 0.7%। 8,000 रुपये मनरेगा के मजदूर से कम खर्च कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा चाहे कोई भी सरकार हो, ये वर्तमान की सरकार जो है या आने वाली सरकार है या किसी प्रदेश की सरकार है, उनको अपने मैनिफेस्टो में छात्रों की बात करनी पड़ेगी। इस देश में सबसे ज़्यादा किसान हैं और सबसे ज़्यादा छात्र हैं, मुद्दा उठाना पड़ेगा ना, छात्रों की बात उनको मैनिफेस्टो में लाना पड़ेगा। भारत जो है सनातनियों का देश है, और सनातन के लिए ये जो चल रहा है कि काशी मथुरा अयोध्या ये तो था हमारा, 16वीं 17वीं शताब्दी में कोई आया और आके तोड़ दिया मंदिर को, और उसकी जगह पे आज ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए था। आपने एक प्रश्न पूछा था कि जो 1500 से 1600 शताब्दी में जो था कि मुग़ल जो आए उनके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो पेशवाओं ने, मराठों ने जो मंदिर हैं और जो उसका जो जीर्णोद्धार किया दोबारा, 12 में से 9 ज्योतिर्लिंगों का जो जीर्णोद्धार हुआ पेशवाओं ने किया, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, चूँकि इतिहास के विद्यार्थियों को भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेशवाओं ने 12 में से 9 लोगों का जीर्णोद्धार किया, 9 मंदिरों का, तो इसके बारे में बताना चाहिए था, ये नहीं बताया गया। छोटे क्लास के बच्चों को ये सब नहीं बताया गया। मान रहे हैं कि अब बताया जा रहा है, अब बताया जा रहा है, बताया जा रहा है तभी तो जानकारी आ रही है। युवा बेरोजगार हैं, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज जो था, जो अपराधी खुलेआम घूमा करते थे, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे यही नहीं, आज तक हमने नहीं देखा कि इसके पहले भी जो सरकार रही वो भी कोई विशेष नहीं की, आज वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हम करेंगे, लेकिन हमें उन पर भी भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच से जाए, निकले, कोई युवा छात्र नेता जाए और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, वो इसमें बने, तो हमें उतना भरोसा है कि वो कर सकता है। बाकी आज की जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी में हमें कोई भरोसा नहीं कि ये जो है रोजगार पर कुछ हम लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो बेशक हम उसके समर्थन में रहेंगे। सरकारें तो कह रही मंदिर बनेगा तो रोजगार तो आएगा ही ना, लेकिन मंदिर बनेगा तो रोजगार आएगा, तो जो मंदिर बनेगा वो उसे रोजगार आएगा वो कहाँ के लिए आएगा? मंदिर अयोध्या में बना तो रोजगार अरुणाचल में आएगा, मंदिर मथुरा में बना तो रोजगार दक्षिण में आएगा, मंदिर काशी में बना तो रोजगार क्या बगल के गाजीपुर में आएगा? वो रोजगार स्थान विशेष के लिए आएगा, वहाँ जाएगा कौन? जब जिसके जेब में पैसा होगा, टिकट कराने की पैसा होगा, यहाँ होटल देने की पैसा, होटल में, धर्मशालाओं में रहने की पैसा होगा, जिसको बस से आने जाने की सुविधा होगी, जिसके कार में तेल रहेगा और जेब में पैसा रहेगा, वही आके यहाँ दर्शन करेगा। वो आएगा कब? जब वो रोजगार परक लोग रहेंगे, गांव में रोजगार जाएगी, गांव में पैसे रहेंगे, उनका अन्न अच्छे मूल्यों पर बिकेगा, तब वो व्यक्ति आकर के यहाँ दर्शन कर सकता है। इस राम मंदिर, मथुरा जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ
के ये जो कार्य हो रहे हैं उसका वो दीदार कर पाएगा, उसका दर्शन कर पाएगा, भजन और पूजन कर पाएगा। झूठ क्या बोला, आप सोचिए, देश लोकतांत्रिक देश है, आप मीडिया वाले हैं, चौथे स्तंभ आपको देश का कहा जाता है, आपको देखता है तो गरीब आदमी आके बोलता है, काहे बोलता है, जो आप उसका आवाज़ पहुँचाइएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, एक आदमी को ही दिखा रहे हैं, राहुल गांधी इतना पदयात्रा किए। मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, मैं बीजेपी भी नहीं हूँ, मैं यह देख रहा हूँ विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया गया है। विपक्ष क्या करे, वो तो मेहनत कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है जनता का, आप उसको टीवी पे दिखा नहीं रहे हैं, लोग जान नहीं रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो सरकारें तय करने में लगी हैं धर्म को लेकर, धर्म पताकाओं को लेकर। आप देख ही रहेंगे अयोध्या भव्य तरीके से तैयार है, ज्ञानवापी की बात हो रही है। आप क्या सोचते हैं, पीएचडी का एक छात्र क्या सोचता है, ज्ञानवापी कहाँ होनी चाहिए, किसके पास? यह तो भारत में यह प्रश्न पूछा जाना ही बहुत अजीब बात है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। या आप किसी आम आदमी से, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय में बैठा हूँ, तो यह एक तरह से एलिट क्लास हो गया है भारत जैसे देश के लिए, गांव के लिए एलिट जगह है। लेकिन यह पूछना कि ज्ञानवापी कहाँ होनी चाहिए, अयोध्या कहाँ होनी चाहिए, मथुरा कहाँ होनी चाहिए, इसका कोई बहुत तुक नहीं है। यह घर घर में पता है सबको कि कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ने और 90 के दशक की राजनीति ने इसको ऐसा कर दिया, यह प्रश्न पूछने को मजबूर कर दिया कि यह कहाँ होना चाहिए। कायदे से यह हिंदुओं के पास ही होना चाहिए, लेकिन यह जो तरीका है, यह तरीका नहीं होना चाहिए कि इसका फ़ायदा चुनाव में लिया जा सके, यह तरीका नहीं होना चाहिए था। आज ज्ञानवापी की बात हो रही थी, अभी देश भर में चर्चा वही चल रही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले मंदिर पर आक्रमण किया था, फिर रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी, आखिरी में औरंगजेब का बड़ा हमला हुआ था। तो उसके साथ साथ सुधार भी चलते रहे, उस नाम पर उस समय भी राज्य सत्ताएं बनी और बदली नहीं। भले वो लोग मस्जिद बनाते गए, मंदिर बनाते गए, बड़े बड़े दानी राजा कहे गए, अशोक ने भी पूरा राज्य छोड़ दिया तो दानी राजा कहे गए, लेकिन उन्होंने उस नाम पर सत्ता नहीं बनाई, ठीक है ना। चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, आज जैसे ओवैसी कर रहे हैं, जो बाकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसा उन लोगों ने उस समय नहीं किया, क्योंकि उसके साथ पैरेलल जो है टोडरमल जैसे लोग आते रहे, अहिल्याबाई होलकर आती रही, रणजीत सिंह आते रहे, और आज नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे लोग आते रहे और वो लोग काम करते रहे, तो लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है इन चीज़ों का। प्रतीकों का संरक्षण हमेशा होना चाहिए, लड़ाई प्रतीकों की ही होती है देश में। और आप लोग छात्र हैं, काफ़ी देख भी रहे हैं, तो ज्ञानवापी का जिक्र ना हो ऐसा थोड़ा जाती हो जाएगी, तो उसका इतिहास क्या कहें? जरूर जरूर, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप हैं और खासकर काशी में हैं, तो ज्ञानवापी जो है, देखिए अभी जो तमाम जो सर्वे द्वारा या जो अभी भी जो उस पर कार्य हुए, जो उसके रिपोर्ट आए, उन सारी चीज़ों से स्पष्ट हो गया है कि किसी कालखंड में या उसको जो ज्ञानवापी था उसको एज ए मस्जिद के रूप में रिप्रेजेंट कर देना, और जो हमारे सनातन मूल्य और जो हमारी जो पूजा पद्धतियाँ थीं उसको अवरुद्ध कर देना, रोक देना, ये किसी भी धर्म विशेष के साथ या किसी भी धार्मिक स्थल के साथ कितनी ही ज्यादती की गई थी, और ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। जो अभी जो रिपोर्ट आया था, जो वहाँ पे प्रतीक चिन्ह मिले, जो हमारे अंकन मिले, चाहे स्वास्तिक हो, कलश हो, त्रिशूल हो, या धार्मिक जो और प्रतीक हैं, इनसे तो अब स्पष्ट हो गया। उस पर तो मुझे, मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपने अभी बनारस की जो न्यायिक व्यवस्था ने जो निर्णय दिया वो बहुत ही सराहनीय है, और मुझे लगता है कि शासन द्वारा भी उसको और भी बल दे करके उसको स्पष्ट रूप से उसको मंदिर घोषित कर देना चाहिए, और जो भी सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं उनको पूजा पाठ और जो भी सुचारू रूप से कार्य होने वाले हैं, जो उनकी आस्था के अनुरूप होता है, वहाँ कार्य करने के लिए उनको इजाज़त देनी चाहिए, और ये सहज और सुलभ कर देना चाहिए। आपका नाम है? मेरा नाम राणा रोहित है, और क्या कर रहे हैं? मैं शोध के लिए प्रयासरत हूँ, मेरा MBA और MA की पढ़ाई इकोनॉमिक्स में यहीं से हुई है। तो आप क्या मौजूदा परिस्थितियों में सोचते हैं? देखिए, जो छात्र और युवा होता है वो वर्तमान की सोचता है। हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई अभिषेक सिंह काली जी को 8000 फेलोशिप ना मिले, वो फेलोशिप की राशि बढ़े, 2006 के बाद रिवाइज नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि इसी कैंपस में जो IIT की छात्रा के साथ भाजपा के 3 पदाधिकारियों ने सामूहिक गैंगरेप किया, उनको किसकी संरक्षण में और किसके द्वारा सहानुभूति उसको मिल रहा था कि वो 60 दिनों तक भाजपा के लिए प्रचार कर रहा था मध्य प्रदेश में, और हमारी बेटी जो है, हमारी जो बहन है, वो अपनी न्याय के लिए भटक रही थी। आखिर अभी तक उसको पुलिस की ट्रायल में क्यों नहीं लाया गया? हम चाहेंगे कि जो UGC ने 61% जो फंड कट किया है, पहले उस पर आ जाए। आप लोग क्या कर रहे थे उस लड़की के लिए, लड़े आप लोग?
बिल्कुल हम लोगों ने लड़ा, और सिर्फ लड़ा नहीं, हम लोगों ने न्याय की जब आवाज उठाई तो हमारे ऊपर फर्जी भाजपा के द्वारा पोषित जो सरकारी छात्र संगठन है उसके द्वारा FIR लगाई गई कि हम ही लोगों ने किसी के साथ जो है छेड़खानी की है, और उसके साथ साथ SC ST एक्ट भी लगाया गया जिसका ना तो प्रमाण है और ना ही किसी फुटेज में उसकी कोई आंकलन है। तो न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों को इस कैंपस में लगातार परेशान किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं उसको लगातार कुचला जा रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक छात्र को, एक युवा को, नौकरी रोजगार जिसको साध के मोदी सरकार 2014 में आई थी, 2019 में भी आई, वो युवा और छात्र जो है परेशान है, हताश है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो आज कोस रहा है मोदी सरकार को अंदर ही अंदर, चाहे वो कोई भाजपा का विचारक ही क्यों न हो, वो भी चाहता है कि उसकी फेलोशिप की राशि बढ़े, वो भी चाहता है कि नौकरी और रोजगार आए। हम बिहार से आते हैं, हमें मानते हैं कि ये सरकार दमनकारी तरीके से, अलग अलग तरीकों से जो वहाँ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें हैं उसको गिराने का भी प्रयास कर रही है। सोमबिया झारखंड से आते हैं, आज एक आदिवासी का मजबूत नेता जो आदिवासी के मसलों पर लगातार मुखरता से अपनी बात रख रहा था, केंद्र सरकार से मांग कर रहा था कि आप GST के पैसे हमें दो, और वहाँ आदिवासी भाई बहनों के लिए जो उसके आप कह सकते हैं जो पढ़ने लिखने वाले खासकर छात्र हैं, वो पहला राज्य है जो SC ST वर्ग के आने वाले छात्रों को विदेश में फ्री में पढ़ने के लिए भेज रहा है ताकि उनको एक्सपोजर मिले। ऐसे मुख्यमंत्री को जबरी गिरफ्तार करना, जेल भेजना, इस सरकार की कहीं ना कहीं साजिश और जो तरीके हैं, जो लोकतंत्र की गला घोटने की तरीके हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिखाता है कितना बड़ा कुटाराघात हो। 8000 की फेलोशिप में आप क्या चाहते हो कि क्या 8000 में कोई बढ़िया शोध कर पाएगा? यहाँ शोध छात्र बैठे हुए, कितने की मांग? मांग 2006 से लेकर अभी तक रिवाइज ही नहीं हुए, जबकि हर साल जो है महंगाई अगर देखें आप तो 10-10% बढ़ रहे हैं। इसी विश्वविद्यालय की फीस लगातार 8000 कब हुआ था, कौन सा साल? 2006। उसके बाद अभी तक नहीं रिवाइज हुए, बताइए। 3 सरकारें बदल गई, आप किसको दोष देंगे? क्या 10 सालों में इनका काम नहीं था कि जिस युवा के लिए इतने सारे ढकोसले करके आप आए थे, इतने सारे वादे करके आए थे, क्या उसको आप ठगने का काम नहीं कर रहे हो? क्या आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो और आपके पदाधिकारी ही रोज 11 से 1 में आते हैं और इसी कैंपस के भीतर लड़कियों को छेड़ते हैं? एक दिन अगर कैंपस उनकी एंट्री बैन करता है तो किसी पार्क को ढूंढते हैं। क्या भाजपा बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी है? आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी को रिसीव किस हैसियत के साथ हो जाता है और करता है रिसीव, जबकि उसके ऊपर उससे पहले आरोप लग चुके थे, सभी को पता था। पुलिस को 3 दिन बाद ही ये पता चल गया था कि भाई ये आरोपी है तीनों, और वो दिलीप पटेल जो क्षेत्रीय भाजपा का क्षेत्रीय संगठन मंत्री है, संगठन पदाधिकारी है, वो बताइए कि उसका PA, आखिर उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी? क्या भाजपा की परवरिश में इस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं? अगर ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी से लेकर और मोहन भागवत तक को सोचना पड़ेगा, क्या वो ऐसी पार्टी की परिकल्पना कर रहे हैं? लेकिन बात तो उत्तर प्रदेश में बहुत होती है कानून व्यवस्था को लेकर, CM योगी को लेकर, उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, उम्मीद नहीं, मतलब आईना है, जिस आईने को आपको देखना होगा कि आखिर वो दक्षिण भारत की बेटी वसुदेव कुटुंबकम की ये परिभाषा भी रही है भारतीय समाज में, और काशी उसको बहुत मजबूत तरीके से अपनाता रहा है। क्या उस बेटी को 60 दिनों तक कौन अन्याय कर रहा था उसके साथ, जब 4 दिन बाद पता चल गया था कि भाई ये आरोपी हैं, तो भाई 60 दिन कैसे लगे? आप कानून की बात कर रहे हैं, इसी कैंपस में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पहली बार तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता मिला है जिसने जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद और एक तरह से बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर देने का काम किया है, तो पहली बार को उत्तर प्रदेश को उत्तर देने वाला नेता मिला है। तमाम विपक्ष के लोगों को, तमाम ऐसी गंदी राजनीति करने वाले लोगों को जो जातिवाद धर्मवाद के नाम पे केवल ठेकेदारी चलाते थे, जहां कोई राजनीति नहीं थी, जहां राजनीति को भ्रष्ट करने का काम किया जाता था, मतलब अंतर समझिएगा, पहले जो चीज़ें थी वो राजनीति को भ्रष्ट करती थी, पंचर नहीं करती थी, भ्रष्ट कर देती थी, बनने का कोई चांस नहीं। तो अब जो ये मौजूदा दौर है, यहाँ वर्तमान नेता ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को उत्तर देने का काम किया है। कैसे उत्तर? उत्तर इस तरह से कि जैसे पहले जो विकास होता था, एक
जाति विशेष तक सीमित हो जाता था। जैसे फलाने यादव डीएम, भुल्लूर यादव एसडीएम, राजेश यादव एसएचओ, असिपाही निपोरी यादव, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक केवल यादव। अब वो लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि अब तो ठाकुर ठाकुर जी दिख रहे हैं हर जगह, राजपूत ही दिख रहे हैं अब तो। कहे ब्रजेश पाठक नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या उनको? ब्रजेश पाठक नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको? भूपेन चौधरी नहीं दिखाई दे रहे हैं? राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आई एस पी सी एस। आई एस पी सी एस में जो है प्रांजल यादव नहीं दिखाई दिए क्या उनको? सुरेंद्र सिंह नहीं दिखाई दिए क्या? अरे तो आप देखिए तो आप नहीं, नहीं, बीच बात ये भी हो रही है कि अपराधी ठाकुर हो तो बुलडोजर नहीं चलता है, अपराधी द्विवेदी हो, पांडे हो, अहमद हो, बुलडोजर चल जाता है। प्रेम प्रकाश सिंह जिसका जेल में एनकाउंटर हुआ था वो जो है मुसलमान था कि यादव था, जरा कंफर्म करके पता कर लीजिएगा विपक्ष से। हाँ, जिसने जरायम की दुनिया को पूरे पूर्वांचल में फैलाया था वो प्रेम प्रकाश सिंह किस बिरादरी का था? ठाकुर नहीं था, मुन्ना बजरंगी जिसको लोग कहते हैं, लेकिन नाम तो उसका जो था नामे ने लिया जाएगा। तो देखिए ये विपक्ष है, आरोप लगाना विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन विपक्ष आज उसमें भी फेल है। तमाम छात्रों की समस्याएं हैं, तमाम समाज में समस्याएं हैं, लेकिन विपक्ष उस पर कभी सत्ता घेराव नहीं कर पा रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात करूंगा, राजनीति की बात करूंगा। आज विपक्ष अपने कर्तव्य से ही गायब है, समस्या इस बात की। जैसे कि आप इतिहास में देखेंगे तो अभी 2010-12 में क्रांति हुआ था, इसे फिर से क्रांति होगा, फिर छात्र जागरूक होंगे और बेरोजगारी चरम पे है तो छात्रों को जागना पड़ेगा ही, क्योंकि इस समय जाति की बात हो रही है, जो सबसे ज़्यादा जाति की बात हो रही है। जाति के नेताओं को सभी पार्टी बढ़ावा दे रहे हैं, छात्रों को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? छात्रों को क्यों नहीं संसद में जगह मिलनी चाहिए? कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कहता है कि नहीं हम छात्रों को आगे लेके आएंगे, छात्रों का दल होना चाहिए। आज चपरासियों का संघ है, डॉक्टरों का संघ है, आईएसपीसीएस का संघ है, छात्र संघ क्यों नहीं है? छात्र संघ होगा तो उसे आपको क्या दिक्कत है? आज छात्र संघ राजनीति की नर्सरी कही जाती है, उस नर्सरी से निकलने वाले आज तमाम छात्र नेता शीर्ष राजनीति में खड़े हैं और देश की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं। और आज का आप कह रहे हैं कि छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए, छात्र संघ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकारें नहीं चाहती हैं। आप चाहते हैं वंशवाद चले इस देश में, ऐसा नहीं हो सकता है और सत्ता बदलेगा। जो अभी वर्तमान समय में जो दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों लोग भारतीय राजनीति के लिए सबसे अच्छे दौर से भारतीय राजनीति अभी गुजर रही है, उनसे बड़ा नेता अभी कोई नहीं है देश में। आपका नाम? अभय सिंह नाम पड़ेगा मेरा, छात्र काशी विश्वविद्यालय। क्या कर रहे हैं? योग शिक्षा से मेरा नाम पढ़ाई सर जी। कहाँ से हैं? मैं मूलतः अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ। राम की धरती से हैं, वैसे तो पूरी धरती श्री राम की है। योग से कर रहे हैं तो पहले योग पे ही बात कर लेते हैं। इस सरकार ने योग को बड़ा बढ़ावा दिया, इंटरनेशनली तक पहुँच गया, कैसा लगता है? इस सरकार ने नहीं पहुँचाया योग, पहले से ही हमारे प्राचीन भारत में घर घर तक जानने पे। नहीं नहीं, पहले क्या था, लोग योग नाम नहीं जानते थे लेकिन क्रिया सभी किया करते थे। पहले भी लोग ब्रांडिंग कर, हाँ ब्रांडिंग थोड़ा कर दी है, लेकिन इसके पहले लोग ऐसा नहीं था कि लोग क्या नहीं करते थे, लोग इस नाम से थोड़ा सा कम परिचित थे लेकिन उस तरह की क्रियाएं किया करते थे जी। आप योग के लेकर थोड़ा पहले बताइए। नहीं, क्या है कि बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए, हम लोग तो उसके विद्यार्थी हैं तो हम लोग तो कहेंगे। और क्या है यहाँ पे? नहीं, इसको ठीक है, अन्य जगहों पे हर जगह तो चाहिए होता है ना कि रोजी रोटी चले, कुछ करें तो कुछ पढ़ें। इसमें भी ऐसा नहीं है, हम लोग इसके लिए भी वैकेंसी आती रहती हैं हर जगहों पे। अभी हर जगहों पे चूंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंटर कॉलेज हुए या प्राइमरी जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे योग के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा आशा भी है। और अन्य जगहों पे योग का है, इसको ठीक है और हम लोग ऐसा कर रहे हैं जी। राजनीति पे बात करें अगर, तो मौजूदा दौर की राजनीति है, मैंने वही कहा, ब्रांडिंग को लेकर ज़्यादा जानी जा रही है, हर चीज़ की ब्रांडिंग कर रही है। राजनीति सीधा सही दिशा में हो रही है या फिर वही हिंदू मुसलमान और ब्रांडिंग? नहीं, हिंदू मुसलमान तो राजनीति में हो रहा है, ये तो कोई इधर किनार नहीं कर सकता है। आज की राजनीति, एक तो सबसे पहले पूंजीवाद की राजनीति हो गई है, जिसके पास पैसा है राजनीति वही कर सकता है,
मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था यूपी काले से, हम लोग छात्र नेता रहे। और जो उसके बाद 2021 के बाद अपने वाराणसी में, पहले चूंकि पूरे प्रदेश में चुनाव बंद हो गया था, 2021 के बाद छात्र संघ का चुनाव हम लोग, जब मैं 2021 में लड़ा था उसके बाद से वाराणसी में अपने कहीं चुनाव नहीं हुआ, प्रदेश में कहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा, तो हम लोग छात्र नेता हैं। चूँकि क्या है कि हम एक चीज़ बताएं, आज के जो राजनेता हैं पूंजीवादी राजनेता हैं, पूंजी वाले हैं, इनके पिताजी या माताजी बड़े पदों पर रहे, वो IAS रहे, PCS रहे या कुछ भी रहे, नेता रहे बड़े, जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, उनके लड़के आजकल राजनीति में जा रहे हैं। राजनीति में ही क्या, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जज एक बना आ रहा है तो पीढ़ी पीढ़ी वही चीज़। क्या है कि ऐसे लोग, जब पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग शीर्ष स्थानों पर राजनीति में जाएंगे तो वो नीचे किसानों का, बेरोजगारी, राजनीति में कहा जाता है हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो बात हिस्से की है। हम किसी तरीके से इन तीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को छोड़ के हम काशी, मथुरा और अयोध्या में लगे रहें, इसकी चर्चा ना हो, इसकी परिचर्चा ना हो। देश तो केवल मंदिरों से नहीं चलेगा ना। अभी स्वामी राम भद्राचार्य जी बीमार हुए तो एम्स ले जाना पड़ा, उन्हें राम मंदिर ही ले गए होते हम, वहीं चरणामृत देते, उसी से वो सही हो जाते। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मंदिर हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था और हमारे स्वाभिमान और हमारे इस राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं यदि ये मंदिर, तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार उसको पुष्ट करने का काम करते हैं, तो हमें इन पे भी बात करनी होगी, करनी होगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्यों आज विपक्ष ये मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहा डंके की चोट पर। अब विपक्ष भाई, अब हमसे तो पूछा नहीं, मैं विपक्ष में हूँ नहीं और न मैं पक्ष में, मैं न पक्ष में हूँ न मैं विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष में हूँ। अब वो नहीं उठा रही है, राहुल गांधी हमारे पास तो आए नहीं, आते तो मैं उनको समझाता, अन्य पार्टी के लोग हमसे आके मिलते, हमारे छात्रों से आके राय लेते। पहले एक जब JP का दौर हुआ करता था, जब 75 का दौर हुआ करता था, तो राजनेता लोग कुर्ता और सदरी डाल के किसी हॉस्टल में घूमा करते थे, ये हॉस्टल उसके गवाह हैं। आज भी पुराने लोग मिल जाएं कि फलाने कमरे में यहाँ राजनारायण सोते थे तो उसमें लालू सोते थे, इस कमरे में नीतीश सोते थे, यहाँ वो राजनेता, तो राजनेता जनता से हटने लगे। और भारतीय, एक बड़ी बात कह दूं, भारतीय राजनीति का ह्रास आज क्यों हो रहा है और आगे भी होता रहेगा यदि संघों को मजबूत नहीं किया जाएगा। संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संघ का अर्थात चाहे वो छात्र संघ हो, वो चाहे रिक्शा संघ हो, वो अधिवक्ता संघ हो, वो पत्रकार संघ हो और शिक्षक संघ हो, जब किसी संघ से नेता निकल के जाता है ना, तो वो अपने संघों और अपने समाज और अपने समुदाय के लिए वो संघर्ष किया हुआ नेता होता है, और जब वो सदन में जाता है तो अपनी समाज की उन बातों को पुरजोर तरीके से रखता है और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। अब क्या हो रहा है राजनीति में कि हम ब्यूरोक्रेट को ले आ रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट का मतलब आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी उसने अपने जीवन काल में किया, आम जनमानस एक नेता और एक ब्यूरोक्रेट से कितना मिल, एक DM से कितना जनता मिल पाता है, एक नेता से कितना जनता मिल पाता है। अब जो जनता से दूर रहा, अब उसे जनता के पास जाने और जनता का काम करने और जनता की आवाज़ उठाने, जो AC में रहा, और पूंजीपति लोग राजनीति में आ रहे हैं वो AC से नीचे उतरे नहीं। माननीय अवस्थी, ये माफ करिएगा, हेमा मालिनी जी आ रही हैं, सनी देवल लोग आ रहे हैं, जिनको राजनीति का रन नहीं पता और ती की बात कर रहे हैं वो, और इसमें जो ज है, जो जन है, वो कलप के रह जा रहा है। तो हम न र के बात करें न हम ती की बात करें, हम ज की बात करें, जो जन है वो ऊपर आना चाहिए। तो ये तो यहाँ छात्र संघ बंद है पूरे देश में, छात्र संघ से नेता नहीं निकल रहे हैं। आज भारत में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे मोदी हो, चाहे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो भारतीय राजनीति की देन है, वो छात्र संघ की देन है। भारतीय राजनीति की प्रथम पाठशाला को आप बंद कर दो, बच्चों को ABCD ना पढ़ा और सीधा उसे थीसिस लिखने को भेज दो, कहाँ तक आपका थीसिस सही तरीके से लिखा सकता है। तो जरूरी है भारतीय राजनीति की जो पाठशाला है उसे प्रारंभ करने का। जब आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा तब आपकी छत मजबूत नहीं हो सकती। जब तक आप फाउंडेशन पहले मजबूत करिए तब जाके आपका छत बुलंद होगा और तब उसके ऊपर इमारतें गढ़ी जाएंगी। केवल चंद्रयान से नहीं होता, एक तरफ चंद्रयान पहुंच रहा है और एक तरफ किसान पेड़ में लटक रहा है, वो भी सोच रहा हम भी पहुंच जाएं। हाँ,
हाँ, केवल आसमानों से बात नहीं होगी, आपको जमी पे भी चलना काम करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, आके लोगों से परामर्श लेने पड़ेंगे। आज आप बात कर रहे हो, छोटे भाई ने बात किया फेलोशिप का, 8000 फेलोशिप मिल रहे हैं रिसर्च स्कॉलरों को। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भाई साहब जेल चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज के एक सप्ताह पहले 25000 फेलोशिप कर दिया है। सबक लेने चाहिए इन राज्यों से, देश के सरकारों की, कि जो वो चिंता कर रहा है छोटे छोटे राज्य कि हमारे शोध नवीन शोध आए, हम शोधार्थियों को अच्छे से, महंगाई बढ़ती गई, आज हम जब यहाँ आए थे 2013-14 में, यहाँ का मेस का जो भोजन होता था वो 1100-1200 रुपए में महीना हो जाता था, आज 3500 रुपए लगते हैं। फेलोशिप वहीं की वहीं है, तो सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेंगे, मंदिर बेशक बने, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी औकात भी हो मंदिर जाने तक। अखबार, टीवी, आप जैसे पत्रकार और यहाँ विश्वविद्यालयों में बैठे विद्यार्थियों को जो देखकर सुनकर पढ़कर लग रहा है, उस हिसाब से माहौल यही है कि चुनाव अब जनता से ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा हो गया है, मतलब तय किया जा रहा है। कुछ लोग बैठकर 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग मिलकर तय कर रहे हैं कि देश की राजनीति को किधर जाना चाहिए। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसके अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया, तो गणतंत्र अर्थात जनता द्वारा विकसित तंत्र, ठीक है, तो जनता की हिस्सेदारी उसमें दिखनी चाहिए। लोकसभा आप देख रहे हैं 542 सांसद हैं, 542 सांसदों में 50, 70, 80, 90 भी किसान और नौजवान नहीं हैं, तो इस हिसाब से कल्पना की जा सकती है कि लोकसभा का चुनाव का परिणाम क्या होगा। उद्योगपति ही तय करेंगे कि चुनाव कहाँ जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में तो सरकारें तय करने में लगी हैं धर्म को लेकर, धर्म पताकाओं को लेकर। आप देख ही रहेंगे अयोध्या भव्य तरीके से तैयार है, ज्ञानवापी की बात हो रही, आप क्या सोचते हैं, पीएचडी का एक छात्र क्या सोचता है, ज्ञानवापी कहाँ होनी चाहिए, किसके पास? नहीं, यह तो भारत में यह प्रश्न पूछा जाना ही बहुत अजीब बात है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। या आप किसी आम आदमी से, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय में बैठा हूँ, तो यह एक तरह से एलिट क्लास हो गया है भारत जैसे देश के लिए, गांव के लिए एलिट जगह है। लेकिन यह पूछना कि ज्ञानवापी कहाँ होनी चाहिए, अयोध्या कहाँ होनी चाहिए, मथुरा कहाँ होनी चाहिए, इसका कोई बहुत तुक नहीं है। यह घर घर में पता है सबको कि कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ने और 90 के दशक की राजनीति ने इसको ऐसा कर दिया, यह प्रश्न पूछने को मजबूर कर दिया कि यह कहाँ होना चाहिए। कायदे से यह हिंदुओं के पास ही होना चाहिए, लेकिन यह जो तरीका है, यह तरीका नहीं होना चाहिए कि इसका फ़ायदा चुनाव में लिया जा सके, यह तरीका नहीं होना चाहिए था। आज ज्ञानवापी की बात हो रही थी, अभी देश भर में चर्चा वहीं चल रही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले मंदिर पर आक्रमण किया था, फिर रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी, आखिरी में औरंगजेब का बड़ा हमला हुआ था, तो उसके साथ साथ सुधार भी चलते रहे। उस नाम पर उस समय भी राज्य सत्ताएं बनी और बदली नहीं, भले वो लोग मस्जिद बनाते गए, मंदिर बनाते गए, बड़े बड़े दानी राजा कहे गए, अशोक ने भी पूरा राज्य छोड़ दिया तो दानी राजा कहे गए, लेकिन उन्होंने उस नाम पर सत्ता नहीं बनाई, ठीक है ना, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, आज जैसे ओवैसी कर रहे हैं, जो बाकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसा उन लोगों ने उस समय नहीं किया, क्योंकि उसके साथ पैरेलल जो है टोडरमल जैसे लोग आते रहे, अहिल्याबाई होलकर आती रही, रणजीत सिंह आते रहे, और आज नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट मिलेगा, तो ऐसे लोग आते रहे और वो लोग काम करते रहे, तो लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है इन चीज़ों का। प्रतीकों का संरक्षण हमेशा होना चाहिए, लड़ाई प्रतीकों की ही होती है देश में, तो यह विषय जरूर चलना चाहिए, यह कोई बुरी बात नहीं है, यह इसके, क्योंकि समाज इसके बिना चल नहीं सकेगा। इसको जबरदस्ती यह कहना कि मंदिर मस्जिद ये सब फर्जी बात है, जाति सत्य नहीं है, जो चीज़ें सत्य हैं उनके साथ चलना चाहिए, उसके ये है कि उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे दूरी बनाना चाहिए। राज्य का, सत्ता का कर्तव्य होता है, स्टेट की डिफिनेशन में सत्ता का कर्तव्य होता है। प्रतीकों की लड़ाई, तो क्या यही कारण है कि सांसद हैं एक शफीकुर रहमान भाई, सांसद हैं ओवैसी, क्या यही कारण है कि वो भी प्रतीकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आएगा फिर 6 दिसंबर आएगा, हमारा वक्त आएगा, हम बताएंगे? तो वही तो बात हो रही है ना कि दोनों पक्ष वही हैं। संयोग यह है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसान और नौजवान, इन दोनों के प्रतिनिधियों से संसद खाली हो गई है। आज यदि मुश्किल से 50 सांसद भी हो जाएं
तो यह जो डिस्कोर्स आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा आज आप मीडिया में हम और आप बैठकर यहाँ कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में यह डिस्कोर्स कर रहे हैं, डिस्कोर्स यह होना चाहिए कि वादा हुआ था कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, वादा हुआ था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वादा हुआ था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वादा यह भी वादा हुआ था कि हम मंदिर बनाएंगे। तो उन लोगों ने मंदिर भी बनाया, उन लोगों ने NRC लागू करने के वो लोग प्रयास में हैं, उन लोगों के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट सुधर चुका है, एक मणिपुर को थोड़ा समस्या अचानक से आ गई है, जम्मू कश्मीर में वो कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं था, अब हमारा फुल कंट्रोल है। तो जो उन लोगों ने वादे किए थे वो चल रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ओवैसी और बिहार में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है संख्या के बेस पर, तो दोनों पक्ष उसी दिशा में चल रहे हैं। तो मैं बार बार इस बात पर जो जोर दे रहा हूँ कि संसद में किसान और नौजवान प्रतिनिधियों को आप पहुँचाइए, आज ही डिबेट का विषय बदल जाएगा, प्रधानमंत्री को इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी। नौजवान यदि 10 छात्र संघ के नेता पहुँच जाएंगे संसद में तो उनकी विषय यह हो जाएगा, चर्चा का विषय यह हो जाएगा कि रोजगार क्यों नहीं, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता क्यों नहीं हो पा रहा है, विपक्ष कमजोर है या पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत। अब यही मुख्य बात है जहाँ पर विपक्षियों के बारे में बात करनी पड़ेगी, लड़ने को कोई तैयार नहीं है। अखिलेश यादव के पास 112 जोड़ दूँ, जब हम मौजूदा वक्त में चंद्रयान पर पहुंच रहे हैं तो इस देश में एक राजनीति चल रही है कि जातियों के आधार पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मतलब आप कहाँ पहुंच रहे हैं और फिर क्या चाह रहे हैं, 80-90 का दौर आप चाह रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है कि भागीदारी नहीं बना पा रहा? विकास के लोकतंत्र में विकास के जो भी तरीके हैं, चूँकि संख्या आधारित बात होगी, जब भी लोकतंत्र की बात होगी तो संख्या आधारित, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, यह एक मतलब समझ लिए कि अनादि सत्य है, इसको स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। यह कहना कि इससे हम दूर हो जाएंगे यह हो नहीं सकता, जो भी इसके भाग रहे हैं तो जाति आधारित जनगणना कोई बुरी बात नहीं है, उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ का विश्वविद्यालय के कुलपति जो है पैसा ले रहे हैं उद्योगपतियों से और यहाँ के पूर्व छात्रों से कि विश्वविद्यालय चलाया जा सके, और कहा जा रहा है बार बार कि आप अपने रिसोर्स पैदा करिए। तो यह पहली बार नहीं है, आप दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे जिनका हम लोग बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, उसमें ऑक्सफोर्ड तक भी शामिल है, तो वो लोग अपने पूर्व छात्रों के चंदे के पैसे से वो विश्वविद्यालय चलते हैं, ऐसा यूरोप के ढेर सारे विश्वविद्यालय भी ऐसे चलते हैं, लेकिन वहाँ है कि उस चंदे की ईमानदारी है, यानी पैसा आएगा तो उसकी ईमानदारी है, लेकिन यहाँ उसका भरोसा नहीं। ठीक यही बात राजनीति में भी है कि यदि जात पर जाति जनगणना करा रहे हैं तो आप कुछ लोगों को छांटिए भी ना। एक कहता है कि जातीय जनगणना आप करवाते हैं हिंदुओं की, तो आप बता देते हैं कि हाँ भूमिहार इतने, ब्राह्मण इतने, दुबे उतने, शुक्ला, मुस्लिमों को करवाते हैं तो केवल मुस्लिम का एक बता देते हैं कि हाँ इतने हैं। यही भी विपक्षियों की गलती है ना, कि आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि जात भारत में सत्य है, मुसलमान जात के हिस्से में बटा हुआ है, उनसे ज़्यादा फिरके में कौन ज़्यादा बटा हुआ है दुनिया में, यदि सबसे ज़्यादा उनके पास लैंड है, 56 देशों की अपना साम्राज्य है, तो निश्चित तौर पर जात भी उनके पास ज़्यादा होगी। तो विपक्ष को उस पर आना चाहिए, बात करनी चाहिए मुसलमानों की जात पर खुलकर, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इसका लाभ लेगी, वो खुल के कहेगी कि अब मुसलमानों की बात, यदि मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हिंदू एक होगा, हम हिंदू साम्राज्य बनाएंगे। आज 19 मार्च को शिवाजी का जन्मदिवस है, अगले 19 फरवरी को, और देश भर में आप देखिएगा डंकी की चोट पर भारतीय जनता पार्टी शिवाजी को हिंदू प्रतीक के रूप में मनाएगी। ये समस्याएं हैं इसके साथ, तो लेकिन छात्रों नौजवानों के साथ एक हम बात जो कहना चाहते हैं मूल, कि लड़ने की ताकत पैदा कर रहे होंगे, कुछ लोगों को लगना होगा, कुछ हज़ार लोगों को, कुछ कैडर को, 50,000 लोगों को लगना होगा। JP ने कुछ बदला तो उन्होंने 50,000 लोग तैयार किए, जो लोग सिर्फ एक ही काम कि मैं 2-4 साल यही काम करूँ। देखिए वस्तुता यह है कि आज लोग खिसियाए हुए हैं, एक पक्ष विशेष के लोग, क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलत किया है, और जब आपके पूर्वज गलत किए रहेंगे तो तर्क काम नहीं करता है। यही तमाम साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे, हम लोग भी इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, न्यूटन का लॉ कहीं किसी जो है अतिरिक्त से नहीं आया है, जब गलत किए रहेंगे तो न्यूटन का लॉ तो काम करेगा। ये निश्चित तौर पर तमाम तथ्यों प्रमाणों के साथ आप इस बात को स्वीकार करिए कि औरंगजेब ने गलत किया था और उसका परिणाम गलत ही होना था और गलत ही हुआ है। हम समस्त हिंदू जनमानस और सनातन सभ्यता के लोग इस चीज़ से खुश हैं कि जो चीज़ें हमारी थी वो स्वतः हमको माननीय योगी जी की कृपा से, माननीय मोदी जी के सहयोग से प्राप्त हो रही हैं। लेकिन फिर इसी देश में ओवैसी जैसे नेता, बर्क जैसे नेता कहते हैं 6 दिसंबर फिर आएगा, हमारा दौर आएगा तो फिर दिखाएंगे। ये जो है 2022 चल रहा है, आत्मनिर्भर युग है, और जो है
अपराधियों भ्रष्टाचारियों के छाती पर चढ़ के जो है गोली मारने वाला युग है। यह हजामत और कयामत का दौर अब जा चुका है। तो ये लोग भूल जाएं कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे किसी ऐसे व्यक्ति का दौर आएगा जो हजामत कयामत और जो है कब्जा पट्टा ये सब तरह की चीज़ों में विश्वास रखता हुआ, ऐसे लोगों का दौर अब कभी नहीं आएगा। कब्जा करने वाले तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर ही रहे ना जमीन, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहे हैं, जो कभी किए थे आज दे रहे हैं, तो जो आज करने का प्रयास कर रहे हैं अभी साले दो साल में फिर योगी जी आएंगे तो फिर दे देंगे पलट के। हाँ, कौन आ रहा है 24 में? तो मोदी जी आएंगे, ये तो फिक्स है। हाँ, फिर 27 है, फिर 29 है। हाँ तो लगा, देखिए जो कब्जा पट्टा वाले हैं ये अब कभी नहीं आएंगे। जनता देखिए कथनी करनी का जब कथनी करनी का फर्क मिट जाता है तो यही होता है सबका विश्वास। आप लोग 47 तक बात कर रहे हैं, मतलब मोदी और बीजेपी योगी, एक तबका है वो 47 तक गजवाए हिंद की बात कर रहा है, गजवाए हिंद की बात कर रहा है 47 तक। कहीं दिखाई दे रहे हैं बातें में, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के टीवी चैनलों पे हल्का फुल्का दिखाई दे रहे होंगे सस्ती टीआरपी के लिए। सच्चाई ये है कि अपनी सीट निकालना लोगों को मुश्किल हो जा रहा है। गढ़ में जाके जो है ओवैसी के टी राजा जीत के आए हैं ना, इतने बड़ा जनाधार होता तो जीत गए होते, जीत का गए होते मतलब सम्मानजनक वोट तो पाते, उसकी भी स्थिति खराब हो गई, जमाना जब्त हो जा रही लोगों की। वोट सम्मानजनक वोट की बात कर रहे हैं, हमने तो ये भी सुना वहाँ पर देखा कि ओवैसी भाई टी राजा के खिलाफ बोल नहीं पाते, डरते हैं क्या? देखिए गांव देश में एक भोजपुरी में कहावत कहा जाला कि चोरे करे जा इतना बड़ा, चोरे करे जा इतना बड़ा, तो जब गलत रहेंगे ना तो आवाज़ नहीं निकलेगी। हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आप देखिए काशी में हैं और काशी में ये कहा जाता है कि बौद्धिक संपदा के मजबूत लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होते हैं और वहाँ पर ओवैसी जैसे लोगों की बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं देखिए कुछ मैंने मूर्खतापूर्ण का मैं विरोध करता हूँ प्रया, सॉरी मैं बात बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा विरोध करता हूँ। हर तबके पर बात होनी चाहिए तो क्या संकीर्णता पर भी बात होनी चाहिए, चित्थड़ाई पर भी बात होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है ये गलत है? अरे हम लोग बात करके ही तो उनको जो है नेता बना देते हैं, हमारे आपके जैसे लोग ही चित्थड़ों की बात करके चित्थड़ों का नेता बना देते हैं, यही दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। अरे जो संकीर्ण है, जो समाज को बांटने की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, हम वैसे चित्थड़ों की चर्चा ही क्यों करेंगे? बात इसलिए हो जाती है ना, निर्वाचित होके आए निर्वाचित। हाँ ये बात आपकी सही है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना हमारा धर्म भी है, लेकिन जो लोग संकीर्ण विचारधारा लेके आते हैं उनके निर्वाचन पर ही प्रश्न है मेरा तो। देखिए अभी हमारे मित्र हैं शुभम जी ने कहा कि भाई वो निर्वाचित भले हैं पर बातचीत करना ना करना मेरे विशेषाधिकार में है, तो अगर मुझे नहीं बातचीत करना है तो मैं आपसे कहूंगा कि वो इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा सवाल मेरा विशेषाधिकार था, अगर आप जवाब ना देते तो कोई दिक्कत, और इसलिए होनी चाहिए कि देखिए काशी मथुरा अयोध्या काशी मथुरा पर जो बातचीत हो रही है तो अयोध्या पर विजय हासिल हुआ सबने देखा, बाकी जो दो और हैं उन पर भी होगा, और आप ऐसे जगह पे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास में जहां बड़े ही बोल्ड अक्षरों में वहां देखिए वहां लगाया गया है, आप कैमरा आप वहां करके देख लीजिएगा कि अयोध्या तो बस झांकी है काशी मथुरा बाकी है। तो जब यहां के बच्चे जब इस तरीके के संदेश लेकर काम कर रहे हैं और ऊर्जा शक्ति से जो परिपूर्ण हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ी बहुत जो इधर उधर की बात करने वाले लोग हैं वो रोक पाएंगे, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि वो भी जो हम लोग कह रहे हैं उसको साकार करेंगे, और ज्ञानवापी और मथुरा दोनों जो सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबी लोगों की जो चीज़ है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इन्हीं लोगों का था भाई, आप तो एक ये तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप जहाँ नहीं पढ़े लिखे लोग हैं जो रिक्शा चालक हैं जो अनपढ़ और गंवार हैं, पर उनसे भी आप जाकर पूछेंगे मथुरा तो आएगा नहीं कृष्ण की, काशी तो का बाबा विश्वनाथ की, ज्ञानवापी जो, तो मैं कह रहा हूँ कि जब पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे पास वो जो खेत खलिहान नौजवान और किसानों का जब सहयोग मिलेगा तो मुझे वहाँ कोई नहीं। हिंदी की दो कहावतों के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि एक कहावत है थोथा चना बाजे घना, ठीक है ना,
तो अब जो है उन्होंने उनके पूर्वजों ने उनके आकाओं ने गलत किया है, तो अब वो केवल गाल बजा सकते हैं और कुछ कर नहीं पाएंगे। ये दौर आत्मनिर्भर युग है और आज का युवा चढ़ के ले लेगा। तो बेचियो बिरला मंदिर बिरला हॉस्टल से ये हमने छात्रों से यहाँ पर बातचीत की, अलग अलग पीएचडी करने वाले छात्र, शोध करने वाले छात्र। बाकी तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, तस्वीर गवाह है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसके अलावा भी तमाम जो यहाँ की समस्याएं थी फेलोशिप को लेकर, उस पर भी हमने बातचीत की। उम्मीद यही करेंगे कि सरकारों को ध्यान देना होगा और सरकारें इस बात पर छात्रों को विश्वास दिलाएं कि वो उनके साथ हैं। बाकी अपने सहयोगी पिंटू के साथ मैं रोहित पांडे, वाराणसी।